नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। दोपहर के 12 बज रहे हैं, वक्त हो चला है न्यूज 50 का। आज की 50 बड़ी खबरें देखते हैं बिना ब्रेक के। दिल्ली के सदर बाजार के पास नया बाजार में ब्लास्ट, एक व्यक्ति की मौत। दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर सेल मौके पर मौजूद। पटाखों से भरे थैले में लगी आग, पटाखों की वजह से हुआ धमाका, दिल्ली पुलिस कर रही है जांच। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पाकिस्तान का बिना नाम लिए साधा निशाना, कहा अपनी ही लगाई आग में जल रहा है पाक। बलूचिस्तान के क्वेटा में बड़ा आतंकी हमला, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमले में 60 लोगों की मौत, 116 घायल, ISIS ने हमले की जिम्मेदारी। आतंकी हमले में ज्यादातर ट्रेनिंग लेने वाले पुलिसकर्मी बने निशाना, दो आतंकियों ने खुद को बम से उड़ाया, एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने ठेर दिया। हमले के वक्त अकादमी में 700 लोग मौजूद थे। बीती रात 11:10 पर आतंकियों ने हमला किया। हमले के वक्त अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स के संपर्क में आतंकी थे। पुलिस के मुताबिक लश्करे झांगवी से जुड़े थे सभी आतंकी। क्वेटा में सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला तबाही का सामान, 21 किलो वजन के 3 AK-56 राइफल, 97 राउंड गोलियां, 5 किलो विस्फोटक भी बरामद। आतंकियों ने हॉस्टल में सो रहे ट्रेनिंग कैडेट्स को निशाना बनाया। हमले के वक्त ट्रेनिंग सेंटर में करीब 700 ट्रेनी मौजूद थे। जिस जगह यह हमला हुआ वहां पर वो क्वेटा मेन शहर से 15 किलोमीटर की दूरी। कुछ दिन पहले क्वेटा में आतंकी हमले का अलर्ट भी जारी था। अमेरिका ने क्वेटा पर हुए आतंकी हमले की निंदा की, कहा आतंकवाद को खत्म करना जरूरी, आतंकियों के सफाए में साथ देंगे। समाजवादी पार्टी में सुलह के मुद्दे पर बोले शिवपाल, कहा पार्टी में सब कुछ ठीक, सभी मानेंगे नेताजी की बात। 5 नवंबर समाजवादी पार्टी की रजत जयंती को लेकर लखनऊ में बैठक, शिवपाल यादव के अलावा गायत्री प्रजापति और दूसरे मंत्री भी पहुंचे पार्टी कार्यालय। समाजवादी पार्टी पर बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया का निशाना, कहा सामंतवादी परिवार को हो गया है मुलायम का कुनबा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शहीद सुशील कुमार का हुआ अंतिम संस्कार, पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद हुए थे बीएसएफ के सुशील कुमार। राजौरी के नौसेरा में सीज फायर का उल्लंघन हुआ, एलओसी पर पाकिस्तान ने फायरिंग की, गोलीबारी के साथ मोर्टार भी दागे गए, सेना ने जवाबी फायरिंग। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकवादी मारा गया, सर्च ऑपरेशन जारी। पीओके में पाकिस्तान का विरोध, लोगों ने कैंडल जलाकर प्रदर्शन किया, पीओके से पाक सेना को हटाने की मांग, कोटली चिनारी और मुजफ्फराबाद समेत कई जगह हुआ प्रदर्शन। आतंकियों की बयानबाजी पर पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित का बचाव, लश्कर और जैश मोहम्मद के आतंकियों के खुलेआम बयानबाजी, पाकिस्तानी लोकतंत्र की खासियत। पाकिस्तान के जियो न्यूज का दावा, जैश चीफ मसूद अजहर समेत 5100 से ज्यादा आतंकियों के बैंक खाते फ्रीज, गृह मंत्रालय के निर्देश पर कार्रवाई। अमृतसर में होने वाली हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान शामिल होगा, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर, कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के विकास पर बात होगी। बहरीन नेताओं के सामने गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने किया पाकिस्तान को बेनकाब, कहा आतंकवाद पाकिस्तान की राजनीति, 3 दिन के बहरीन दौरे पर राजनाथ सिंह। रक्षा सौदे के लिए घूस देने के आरोप में एम्ब्रॉयर कंपनी पर अमेरिका ने 2,050,00,000 का जुर्माना लगाया, भारत समेत कई देशों में रक्षा सौदों के लिए दी थी रिश्वत। महाराष्ट्र के मनमाड़ में परमवीर चक्र विजेता निर्मलजीत सिंह के पोते के पेट्रोल पंप पर हमला, हमलावरों की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के बरेली में पटाखों के बारूद में लगी आग, हादसे में 2 की मौत, 3 घायल, पटाखे बनाने के लिए घर पर रखा था बारूद। दिल्ली के प्रीत विहार में आइसक्रीम की दुकान में फायरिंग, लूटपाट का विरोध करने पर कैशियर को गोली मारी, हालत गंभीर। बिहार के मुजफ्फरपुर में महिला इंजीनियर को कुर्सी से बांधकर जिंदा जलाया, किराए के मकान में रहती थी महिला इंजीनियर, जांच में जुटी पुलिस। मुंबई में पवा इलाके में नाबालिग से गैंगरेप, लड़की को घर से अगवा कर सुनसान सड़क पर दरिंदगी, एक आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। दिल्ली के पंखे से लटकी मिली महिला की लाश, परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया, शव को सड़क पर रखकर परिवार वालों का प्रदर्शन। गुरुग्राम के एमजी रोड मेट्रो स्टेशन के अंदर महिला को चाकू मारकर हत्या, लोगों ने आरोपी को धर दबोचा, पुलिस ने प्रेम प्रसंग में हत्या का शक जाहिर। दिल्ली में हवा की क्वालिटी अब भी सबसे खराब, रविवार को सीजन में पहली बार हवा की क्वालिटी खतरनाक रेड जोन में दर्ज की गई। मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक आज, 10वीं में फिर से बोर्ड के एग्जाम, 5वीं तक बच्चों को फेल ना करने जैसी पॉलिसी पर चर्चा होगी। दिल्ली कांग्रेस का केजरीवाल सरकार पर आरोप, 18 महीनों में मंत्रियों ने की 10 विदेशी यात्रा, जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल हो रहा है।
दिल्ली के मयूर विहार में शराब की चार दुकानों पर एक्साइज विभाग का छापा। छापे के दौरान दिल्ली के डेप्यूटी सीएम भी मौजूद रहे। एक लाइसेंस पर चल रही थी दो दुकानें। मुंबई समेत महाराष्ट्र में कैदियों के लिए राहत। महीने में एक बार परिवार से मुलाकात की छूट। कैदियों को डिप्रेशन से बचाने के लिए फैसला। मुंबई के जीजा माता पार्क में पेंगुइन की मौत। आदित्य ठाकरे के प्रस्ताव पर दक्षिण कोरिया से पेंगुइन को लाया गया। एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का केस। मलिक ने बीजेपी विधायक डॉक्टर भारती पर लगाया था दाऊद की मदद से चुनाव जीतने का आरोप। एक्टिव रोल में नजर आएंगी प्रियंका वाड्रा। दिल्ली में पहली बार कांग्रेस की बैठक में शामिल। कांग्रेस सांसद पीएल पुनिया का दावा, यूपी में प्रचार करेंगी प्रियंका। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी बदलने का खेल शुरू। जालंधर से कांग्रेस के वरिष्ठ दलित नेता सेठ सतपाल मल अकाली दल में शामिल। पंजाब में आम आदमी पार्टी को झटका। केजरीवाल के गुरदासपुर दौरे से पहले जिले के 68 पदाधिकारियों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। अपना पंजाब पार्टी में हुए शामिल। आरजेडी नेता शहाबुद्दीन की मुश्किल बढ़ी। दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नोटिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया। बिहार और केंद्र सरकार से 4 हफ्तों में इस पर जवाब भी मांगा। दिल्ली के राजघाट झील में 4 पक्षियों की मौत। राज्य सरकार ने हेल्थ एडवाइजरी जारी की। सेंसर बोर्ड होगा हाईटेक। ऑनलाइन मिलेगा फिल्मों का सेंसर सर्टिफिकेट। सेंसर बोर्ड के चेयरमैन प्रहलाद नहलानी ने जानकारी। टाटा ग्रुप में चल रही उठापटक के चलते टाटा की ज्यादातर कंपनियों के शेयर्स के दाम मार्केट में गिरे। करीब 3 से 4% तक की गिरावट। टाटा ग्रुप के इंडियन होटल्स, टाटा ग्लोबल, टाटा वॉकी, टाटा स्टील, टाटा मेटालिक के शेयरों में 3% की गिरावट। टाटा मेटालिक के शेयर 3.5% गिरे। टाटा बोर्ड ने सारस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाया। रतन टाटा बने 4 महीनों के लिए आंतरिक प्रमुख। सर्च कमेटी करेगी नए चेयरमैन की तलाश। फैसले को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं सारस मिस्त्री। रतन टाटा ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। टाटा ग्रुप में बड़े बदलाव की जानकारी दी। अमेरिका के टेक्सास में प्रेगनेंसी के 23वें हफ्ते में महिला के गर्भ से निकालकर बच्चे की सर्जरी की गई। बच्चे को दोबारा से गर्भ में वापस डाला गया। टेराटोमा ट्यूमर से पीड़ित थी नवजात। पश्चिम बंगाल में बीएसएफ और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के बैंड ने पेश किया खास कार्यक्रम। पेट्रोपोल सीमा पर दोनों ही देशों के बैंड सम्मानित। चौथे वनडे के लिए रांची पहुंची टीम इंडिया। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों की झलक पाने के लिए फैंस उत्साहित। न्यूजीलैंड के खिलाफ 26 अक्टूबर को चौथा वनडे।